हेलो एवरीवन दिस इज़ प्रोफेसर एम एच और टुडे विल विल डिस्कस व्हाट टू डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट अगर आपने मेरे प्रीवियसली वीडियो देखे होंगे तो उसके अंदर हम लोग ने जब ये फाइनल अकाउंट कंपनी का स्टार्ट किया था तो कंपनी का जब फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि उसके जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है कि जब आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो ओवरऑल क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है वो देखा था फिर हम लोग ने देखा था कि बैलेंस शीट के फॉर्मेट को बाय हार्ट ना करते हुए समझ के कैसे याद रखना है दैट वी सॉ इन लास्ट वीडियो आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद कि ईच एंड एवरी आइटम के अंदर जो इंपॉर्टेंट आइटम है उसके अंदर हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना है तो लास्ट वीडियो में इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने कंप्लीट किया था वॉट टू डिस्क्लोज अंडर लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट था उसमें क्या डिस्क्लोज करना है वो हम लोग ने लास्ट टाइम तक डिस्कस कर लिया था तीन वीडियो हो चुके थे तो पहला वीडियो था जनरल इंस्ट्रक्शन फाइनल अकाउंट बनाने के क्या क्या इंस्ट्रक्शन है सेकेंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट बाय हार्ट ना करते हुए उसे कैसे याद रखना है तीसरा वीडियो जो लेक्चर था वो हम लोग को ये बताता था कि लाइबिलिटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट आइटम है उसके अंदर हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना है अब हम लोग करेंगे वॉट टू डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट अंडर एसेट साइड तो एसेट साइड में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है उसके अंदर क्या क्या डिस्क्लोज करना है वी विल सी इन दिस वीडियो तो लेट स्टार्ट विथ फर्स्ट वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो अब वो फिक्सड एसेट नहीं बोला जाता है यहां पर हमें बोला जाता है जो फिक्सड एसेट हम लोग लिखते थे प्रीवियस बैलेंस शीट में फिक्सड एसेट्स अब उसे लिखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो फिक्सड एसेट में पहला आता था टेंजिबल दूसरा आता था इनटेंजिबल तो टेंजिबल की जगह अब हमें लिखना पड़ रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पी पी ई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये आपके टेंजिबल हैं तो ये याद रखना है ठीक है अब टेंजिबल के अंदर ये प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट कैसे याद रखना है तो एकदम बेसिक है हम लोग जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो क्या लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर फिक्स ये उसी को यहां पे एकदम ईजी तरीके में बताया कि पहला हम लोग को बायफकेट करना, करना है क्लासीफाई करना है एज पर लैंड फिर बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्स वेहीकल अद ऑफिस इक्विपमेंट अदर स्पेसिफाई नेचर तो ये सात कैटेगरी में आपको बायफकट करना है आई बात समझ में तो लैंड अलग से बताओ बिल्डिंग अलग से बताओ प्लांट एंड इक्विपमेंट अलग से बताओ फर्नीचर फिक्सर अलग से बताओ व्हीकल है तो वो अलग से बताओ ऑफिस इक्विपमेंट और ये छह कैटेगरी के बाद जो भी एसेट आएंगे उनको अलग से स्पेसिफाई करना है आई बात समझ में सिंपल है कुछ भी नहीं है इसके अंदर फिर हम लोग जो एसेट आपने लीज पे लिए हैं लीज पे लिए हैं उनको आपको सेपरेटली स्पेसिफाई करना है तो ये तो आपके नाम के हैं तो स्पेसिफाई कर दो लीज पे जो लिए हैं एसेट को उसको सेपरेटली स्पेसिफाई करना है फिर नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है कि अगर एसेट की वैल्यू में कोई भी चेंज होता है एसेट की वैल्यू में कोई भी चेंज होता है और वो चेंज 10 परसेंट से ज्यादा है ठीक है तो एडिशन हुआ है डिस्पोजल हुआ है एक्विजिशन हुआ है रीवैल्युएशन हुआ है अदर एडजस्टमेंट हुआ है उसकी वजह से डिप्रिशिएशन हुआ है इंपेयरमेंट लॉस हुआ है उसकी वजह से अगर 10 परसेंट या उससे ज्यादा है तो उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा आई बात समझ में तो ये लिमिट याद रखना टेन परसेंट या उससे ज्यादा रहेगा तो उसको सेपरेटली आपको डिस्क्लोज करना है ठीक है और फिर अगर ड्यू टू रीवैल्युएशन अगर रीवैल्युएशन किया है और देर इज ए इंक्रीज और डिक्रीज और उसमें इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ तो वो चीज को वो वैल्यू को वो चीज को आपको कितने साल तक डिस्क्लोज करना है तो नेक्स्ट फाइव ईयर फ्रॉम द दे डेट ऑफ चेंज तो पांच साल तक उसको आपको शो करना पड़ेगा तो समझ में आया टेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या क्या आएगा तो लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर व्हीकल ऑफिस इक्विपमेंट और जो एसेट आपने लीज पे लिए हैं अगर चेंजेस दस परसेंट से ज्यादा है या उस दस परसेंट या उससे ज्यादा है तो उसको अलग डिस्क्लोज करो और रीवैल्यूएशन की वजह से कोई इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है तो उसको पांच साल तक डिस्क्लोज करना है आई बात समझ में यह आपका प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया दूसरा है हमारा इंटेंजिबल एसेट जब टेंजिबल हो गया तो अब इंटेंजिबल में भी देख लेते हैं तो इंटेंजिबल में क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफाई करना है उसको गुडविल आपको पता पहला गुडविल आता है फिर ब्रांड एंड ट्रेडमार्क फिर आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये बेसिक है इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है लेकिन नाम याद रखना है गुडविल ब्रांड ट्रेडमार्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैस्थेड पब्लिशिंग टाइटल पब्लिशिंग टाइटल भी समझ में आता मैस मैस्थेड मतलब मैस्टेड मतलब कैसा है जैसे आपने टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर देखा होगा तो जो टाइम्स ऑफ इंडिया ऊपर लिखा है आप देखोगे वो वैसा ही लिखा है और कोई उसको उस तरीके से कॉपी नहीं कर सकता है दैट इज मैस्थेड तो जो भी आपका कोई लेटर हेड है कोई पेपर है उसके ऊपर जो मेन हेडिंग होती है जिससे डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि भाई ये चीज़ वहाँ का है तो समझ जाओ वो मैस्थ है आए बात समझ में नेक्स्ट है माइनिंग राइट्स कॉपी राइट पेटेंट अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये सब में क्लासीफाई करना है रेसिपी फार्मूला मॉडल डिजाइन फॉर प्रोटोटाइप्स तो ये रेसिपी फार्मूला है अब मैं आपको बता दूँ अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैकडोनल्ड है तो मैकडोनल्ड का ब्रांड ट्रेडमार्क भी रहेगा उसका रेसिपी फॉर्मूला भी रहेगा राइट आई बात समझ में लेकिन हर किसी का रेसिपी फार्मूला मॉडल नहीं होगा जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एच बैंक है तो एच बैंक का वो लोगो टाइप में ऐसा कुछ बनता है बराबर है तो वो उसका ट्रेडमार्क हो गया राइट ब्रांड हो गया उसका राइट लेकिन उसके लिए ये रेसिपी फार्मूला मॉडल डिजाइन प्रोटोटाइप नहीं आएगा क्योंकि ये रेसिपी फार्मूला किसके लिए आता है जो चीज़ कोई मैन्युफैक्चर करता है तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये सब क्लासिफिकेशन पूरा एग्जॉस्टिव आप बोल सकते हो एक तरीके से कि जितनी भी क्लासिफाई करने हैं आपको तो इसके अंदर करनी है तो हर एक कंपनी में ये सातों के सातों और ये आटो के आटो और भी है लाइसेंस फ्रेंचाइजी और अदर ये नौ के नौ पॉइंट आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक कंपनी में मिले आई बात समझ में अभी जैसे सॉफ्टवेयर वाला है सॉफ्टवेयर समझो आईटी कंपनी है कोई इंफोसिस ले लो कोई भी ले लो टीसीएस uh, ले लो तो उसमें मेन क्या रहेगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रहेगा क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की वजह से ही वो कंपनी ज़्यादा पब्लिश उसका कोई रेसिपी नहीं होगा हाँ लाइसेंस भी आ सकता है फ्रेंचाइजी भी आ सकता है ये सब आ सकता है पब्लिशिंग टाइटल ये भी थोड़ा मुश्किल है उसमें आना तो हर एक कंपनी में सात के नौ के नौ आना जरूरी नहीं है ठीक है तो ये सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है सेम वे में जैसे इंटेंजिबल है तो इंटेंजिबल के अंदर भी आपको यही दिखाना है कि अगर चेन 10% परसेंट से ज़्यादा है अलग डिस्क्लोज करो और रीवैल्युएशन के हिसाब से उसका इंक्रीज डिक्रीज हुआ है तो उसको 5 साल तक डिस्क्लोज करना है आई बात समझ में तो ये हो गया आपका इंटेंजिबल एसेट फिर आते हैं हम लोग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले मैं आपको बता दूं करंट इन्वेस्टमेंट क्या है नॉन करंट क्या है करंट इन्वेस्टमेंट वो होता है जो एक साल के अंदर आप 12 महीने तक के लिए रखते हो और नॉन करंट मतलब एक साल के ऊपर वाला दैट इज नॉन करंट तो अब इसके अंदर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शैल बी क्लासीफाइड एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट और अदर इन्वेस्टमेंट अब कन्फ्यूजन क्या होता है कि सर ये क्या है समझ में नहीं आता ट्रेड इन्वेस्टमेंट और अदर इन्वेस्टमेंट तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब और अदर इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है तो पहला ट्रेड समझेंगे तो नॉन ट्रेड अपने आप समझ में आ जाएगा अब ट्रेड कैसा ट्रेड कैसा जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर मेरा शोरूम है रेमेंड का पकड़ लो एग्जाम्पल के तौर पर रेमेंड का पकड़ लो रेमेंड मैं थोड़ा आर्टिफिशियल कुछ इसमें ऐड करूंगा जो थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल ना भी हो लेकिन समझाने के लिए आपको समझा देता हूं जैसे रेमेंड रेमेंड क्या बनाता है कपड़ा बनाता है राइट right? या एग्जाम्पल के तौर पर चलो वो नहीं भी समझता है जो एकदम मार्केट में एकदम बूमिंग है आईफोन आईफोन है तो एप्पल कंपनी उसको बनाती है आईफोन को ठीक है आईफोन बनाता है तो आईफोन पूरा मैन्युफैक्चर नहीं करता है हर पार्ट मैन्युफैक्चर नहीं करता है राइट वो क्या करता है जैसे एग्जांपल के तौर पे दो आईफोन का डिस्प्ले है वो सैमसंग कंपनी से परचेज करता है एग्जाम्पल के तौर तो पे तो आईफोन वाला हर चीज मैन्युफैक्चर नहीं करता वो मोस्टली असेंबल करता है लेकिन उसने सैमसंग से क्या लिया डिस्प्ले लिया ठीक है फिर अंदर जो छोटा छोटा सर्किट लगता है उसके लिए वो समझो कोई एक्स वाई जेड कंपनी है उससे उसने परचेस किया अब आईफोन तभी चलता है जब वो डिस्प्ले सैमसंग कंपनी से लेता है और अदर सर्किट वो कहाँ से लेता है एक्स वाई जेड तो अगर आईफोन वाले ने सैमसंग के शेयर्स खरीद के रख लिए और एक्स वाई जेड के शेयर्स खरीद के रख लिए तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्योंकि ये बिजनेस जो करता है वो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है तो अगर इसने वही कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो दैट इज़ द ट्रेड इन्वेस्टमेंट और अदर इन्वेस्टमेंट समझो आईफोन वाले ने केमिकल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके रखा तो उसका तो कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे राइट कोई एफ कंपनी में इन्वेस्ट करके रख दिया तो इधर है ही नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट आपको अदर इन्वेस्टमेंट में शो करना पड़ेगा आई बात समझ में तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट और अदर इन्वेस्टमेंट अब हम लोग इसमें क्लासिफाई और फर्दर करेंगे कि अगर आपने अदर इन्वेस्टमेंट किया तो किस में कर सकते हो आप तो पहला एक प्रॉपर्टी में करो इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स गवर्नमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटी डिबेंचर बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड पार्टनरशिप फॉर्म अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और स्पेसिफाई देयर नेचर तो अगर आप और किसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो ये क्लासीफाई करना पड़ेगा आई बात समझ में येस और नो ठीक है फिर अदर डिटेल टू बी डिस्क्लोज फिर यहाँ पे हम लोग को दिखाना पड़ेगा नेम ऑफ द बॉडी इंडिकेटिंग सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर कंट्रोल स्पेशल पर्पज एंटिटी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो अगर आपने सब्सिडरी में किया है तो उसका नाम मेंशन करो उसका एसोसिएट में किया तो उसका नाम मेंशन करो ज्वाइंट वेंचर है तो उसका नाम डिटेल तो मेंशन करना पड़ेगा तो अगर मेरा एप्पल कंपनी एप्पल कंपनी का सब्सिडरी है टेस्ला एग्जांपल के तौर पे ऐसे ही बता रहा हूँ तो उसमें अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका वो सब्सिडरी है या एसोसिएट है तो उसका डिटेल यहां पे शो करना पड़ेगा आई बात समझ में फिर नेक्स्ट हम लोग को क्या शो करना है कि इन्वेस्टमेंट कैरीड आउट अदर देन कॉस्ट अगर कॉस्ट के अलावा कोई और अमाउंट पे कैरी किया जा रहा है तो उसको सेपरेटली शो करो और स्पेसिफाई करो क्या बेसिस पे आपने इसका वैल्यूएशन किया तो इन्वेस्टमेंट में आपको किस पे दिखाना है कॉस्ट पे दिखाना है लेकिन अगर कॉस्ट पे नहीं दिखा पाए तो आपको बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने इसका वैल्यूएशन किया है तो वो आपको सेपरेटली डिस्प्ले करना पड़ेगा और ये डिटेल अपने को दिखानी पड़ेगी तीन डिटेल कि आपने एग्रीगेटली कोटेड इन्वेस्टमेंट कितना किया और उसका मार्केट वैल्यू कितना किया कोटेड जो स्टॉक एक्सचेंज uh, में कोटेड है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया और उसका मार्केट वैल्यू कितना है अनकोटेड जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है अनकोटेडेड शेयर मार्केट में नहीं है और आपने कोई अगर प्रोविजन क्रिएट किया है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई अगर उतार चढ़ाव होता है उसके लिए अगर कोई प्रोविजन किया है तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा तो यहां पे हम लोग ने देखा कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है फिर हम लोग ने अदर इन्वेस्टमेंट देखा तो वो कहां कहां कर सकते हैं अगर आपने सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर और कंट्रोल एंटिटी में किया या आपने इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट के अलावा और किसी स्पेसिफाई में किया तो उसका बेसिस ऑफ वैल्यूएशन क्या है वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा आई बस समझ में सेम वे में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करंट इन्वेस्टमेंट ये क्या था नॉन करंट था अब करंट आएगा करंट मतलब एक साल के अंदर तो इसके अंदर भी वही दिखाना पड़ेगा कि आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटी में किया है प्रेफरेंस में किया है गवर्नमेंट बॉन्ड म्यूचुअल फंड पार्टनरशिप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सॉरी अदर करंट इन्वेस्टमेंट नॉन नहीं आएगा करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा फिर आपको वही इन्फॉर्मेशन शो करनी है कि अगर आपने सब्सिडरी में किया एसोसिएट में किया ज्वाइंट वेंचर तो उनके नाम और डिटेल मैंशन करो करंट वो नॉन करंट था एक साल से ज़्यादा के लिए ये एक साल के अंदर के लिए अगर आपने कोई सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर में इन्वेस्ट किया तो उसका डिटेल आपको मैंशन करना पड़ेगा आई बात समझ में नेक्स्ट द फॉलोइंग शुड ऑल्सो भी डिस्क्लोज जैसे पीछे बताया था कि अगर कोई कोटेड है तो उसका मार्केट वैल्यू दिखाओ अनकोटेड दिखाओ प्रोविजन और डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट उसके लिए कुछ किया है बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट वो आपको शो करना पड़ेगा तो ये चीजें आपकी नॉन करंट से पूरी रिलेटेड है सिर्फ एक ये बताया गया है बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट तो यहां पे हम लोग ने देखा करंट और नॉन करंट समझ में आया कि नहीं आया समझा या नहीं समझा ठीक है फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसिस ये थोड़ा सीक्वेंस में चेंज हो गया है लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड जो लोन्स एंड एडवांस आपने एक साल से ज्यादा के लिए दिए हैं उनको लॉन्ग टर्म कहेंगे ठीक है अब इसके अंदर क्या स्पेसिफाई करना है तो आपको क्लासीफाई कुछ इस तरीके से करना है कि कैपिटल एडवांस कितना दिया जैसे कि एग्जाम्पल फिक्सड एसेट परचेस करने के लिए कौन कौन से एडवांस दिए फिर रिलेटेड पार्टी का कितना लोन एंड एडवांस दिया रिलेटेड पार्टी मतलब आपकी कोई सब्सिडरी है सोसिएट है सिस्टर कंसर्न है तो उसको आपने लोन एंड एडवांसेज कितना दिया उसका डिटेल दो और उसके अलावा और कोई लोन्स एंड एडवांसेज है तो उसका स्पेसिफाई नेचर करो तो मेन ये दो होता है कि फिक्स एसेट्स के लिए क्या एडवांस दिया वो लिखो रिलेटेड पार्टी के लिए कौन सा लॉन्ग टर्म एडवांस दिया है उसको स्पेसिफाई करो आई बात समझ में नेक्स्ट आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा सब क्लासीफाई ये क्लासिफाई आपको तीन कैटेगरी में करना है अब ये तीन कैटेगरी के अंदर आपको क्लासिफाई करना है कि कितने सिक्योर्ड हैं कंसिडर्ड गुड कितने अनसिक्योर्ड है कंसिडर्ड गुड और कितने डाउटफुल है इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एडवांस दिया है तो उसके बेसिस पे आपने कोई उससे सिक्योरिटी लिया है क्या अगर सिक्योरिटी लिया और पता है आपको ये गुड है मतलब ये पैसा रिटर्न आ जाएगा तो उसको सिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड में डालो किसी को आपने ऐसे ही दिया विदाउट एनी सिक्योरिटी तो वो अनसिक्योर्ड में जाएगा और आपको पता है कि वो पैसा रिटर्न करने वाला है तो कंसिडर गुड माना जाएगा लेकिन आपने किसी को लोन एंड एडवांस दिया है लेकिन आपको लग रहा है इट डाउटफुल है या पैसा अभी तक रिटर्न नहीं किया तो आपको उसको डाउटफुल में क्लासीफाई करना पड़ेगा अब ये ऐसा नहीं होता है कि आज लोन दे रहे हैं तो आज ही उसको आप डाउटफुल में डालोगे उसका टाइम लिमिट होता है कि एक साल दो साल हो गया उसका जो टाइम लिमिट था कि पैसा रिटर्न करना था नहीं दिया और ट्रेसेबल भी नहीं है तब उसको डाउटफुल में डालो और सिक्योरिटी ले लिया है तो उसको सिक्योर्ड में डालना ही डालना है और अनसिक्योरिटी पे सिक्योरिटी पे बेस नहीं है तो उसको अनसिक्योर्ड में आपको डालना पड़ेगा फिर उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दिखानी है कि आपने कितना अलावेंसेस प्रोविजन क्रिएट किया है डाउटफुल लोन्स एंड एडवांसेस के लिए उसको डिस्क्लोज करो फिर आपको डिस्क्लोज करना है कि डायरेक्टर और अदर ऑफिसर या कोई ऐसी फर्म या प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर ये डायरेक्टर पार्टनर है या डायरेक्टर मेंबर है तो अगर लोन एंड एडवांस कंपनी ने डायरेक्टर को दिया किसी ऑफिसर को दिया या कोई ऐसी फर्म या कंपनी में दिया जिसमें डायरेक्टर पार्टनर या मेंबर है उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई ये वाली कंपनी से पैसा लेना बाकी है और ये कंपनी का जो मेंबर है डायरेक्टर है पार्टनर है वो ये वाला डायरेक्टर है आई बात समझ में तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवाज में आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा फिर हम लोग आते हैं अदर नॉन करंट एसेट अदर नॉन करंट एसेट में आपको क्लासीफाई करना है लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसिवेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट अदर अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ट्रेड रिसिवेबल आपको अलग से भी आता है तो ये लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है तो वो हम लोग देखेंगे फिर हम लोग लॉन्ग टर्म रिसिवेबल सेल भी क्लासिफाइड सब क्लासिफाइड ऐसे एज ए सिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड अनसिक्योर्ड एंड डाउटफुल आई बस समझ में सेम वे में यहाँ पे जितना दिया था जो अभी हम लोग ने पीछे किया वो ही बताया कि अलाउन्सेज कितना क्रिएट किया है डायरेक्टर और ऑफिसर से कितना लेना बाकी है वो सबका डिटेल आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा हम लोग अब यहाँ पे जो समझेंगे वो समझेंगे ट्रेड रिसिवेबल यहाँ क्यों लिखा है क्योंकि ट्रेड रिसिवेबल आपका अलग से भी आता है तो याद रखने का ये नॉन करंट है मतलब एक साल से ज़्यादा है ग्रेटर देन वन ईयर तो लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल में आपको वो देखना है जो एक साल से ज्यादा के लिए जिससे पैसे लेने बाकी है तो वो लॉन्ग टर्म में डालो और नॉर्मल ट्रेड रिसीवेबल आएगा तो वो जो एक साल के अंदर के हैं उसमें डालना है आपको आई बात समझ में तो लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल में क्या होगा कि एक साल से ज्यादा का ड्यू डेट होगा और नॉर्मल ट्रेड रिसीवेबल में क्या होगा एक साल के अंदर आपको उसको सेटल करना है आई बात समझ में अब इसका शेड्यूल बनाना पड़ता है शेड्यूल कुछ इस तरीके से बनता है कि आपने अनडिस्प्यूटेड ट्रेड ट्रेडिसिबल कितना है कि जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसा आएगा और डिस्प्यूटेड कितना है जहां पे थोड़ा केस चालू है कि भाई पैसा देना है कि नहीं देना है अब अनडिस्प्यूटेड में भी आपको देखना है कि हाँ ये लगता है गुड है ये पैसा आ जाएगा लेकिन अनडिस्प्यूटेड में भी लगता है कि डाउटफुल है कि नहीं भी आ सकता है सेम वे में डिस्प्यूटेड है आपको कन्फर्म है कि भाई केस तो चल रहा है लेकिन ये मुझे मिलने ही वाला है तो कंसिडर गुड और डिस्प्यूटेड में कुछ कुछ लगता है डाउटफुल नहीं मिलेगा उसके बाद इसको क्लासिफाई करना है लेस देन सिक्स मंथ सिक्स टू वन ईयर वन टू टू ईयर टू टू थ्री ईयर्स मोर देन थ्री ईयर्स और टोटल अब आप बोलेंगे सर ये वाला आपने बोला तो ये बोला कि एक साल के बाद का है तो यहाँ पे यह छः महीने का क्या लॉजिक है तो बच्चा ये जो पीरियड दिया है ना ये पीरियड आपको क्लासीफाई करना है डेट से समझो आपने ट्रेड रिसिबल दिया तीन साल का लॉन्ग टर्म तो तीन साल आपका कब कंप्लीट हो रहा है 2021 में एग्जाम्पल के तौर पे में तो में ड्यू डेट था तीन साल के लिए आपने पैसा रिकवर करना था 2021 तक हो गया दिसंबर तक पैसा रिटर्न नहीं आया तो अब दिसंबर के बाद दो महीने तक पैसा नहीं आया तो आप उसको कहाँ क्लासीफाई करोगे यहाँ छह महीना सात महीना हो गया तो आप उसको कहाँ क्लासीफाई करोगे इतना यहाँ पे दस ए 15 मंथ्स हो गए तो 15 मंथ हो गए तो यहाँ पे ढाई साल हो गया तो यहाँ पे मोर देन थ्री इयर्स हो गया तो यहाँ पे तो ये जो टाइम दिया है ना ये टाइम आपकी ड्यू डेट से काउंट करना है कि ड्यू डेट से लोगों ने अभी तक कितना पैसा कितने टाइम तक अभी तक नहीं दिया तो ड्यू डेट से छः महीने तक अभी तक पैसा नहीं आया तो इसको इस कॉलम में डालो छः से एक साल हो गया तो ये कॉलम में डालो एक से दो हो गया तो ये कॉलम में दो से तीन हो गया तो ये तीन हो गया तो ये मोर देन थ्री हो गया तो ये सेम ट्रेड रिसिबल का शेड्यूल आपका एजिंग शेड्यूल नॉर्मल ट्रेड शेड्यूल में भी बनेगा ट्रेड रिसिबल में भी बनेगा तो वो हम लोग आगे देख लेते फटक से तो यहाँ पे दिया है ट्रेड रिसिबल इसको भी क्लासीफाई करना है सिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड अनसिक्योर्ड सेम वैसे ही करना डाउटफुल अलाउेंसेज और डायरेक्टर का ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया ठीक है सेम है इसमें और लास्ट में ट्रेडिंग शेड्यूल है ट्रेड रिसिबल शेड्यूल सेम डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड में गुड और डाउटफुल डिस्प्यूटेड के अंदर गुड और डाउटफुल और सेम वे में सिक्स से लेस देन सिक्स सिक्स टू वन वन टू 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 थ्री और थ्री इयर्स तो ये कन्फ्यूज मत होना ये ड्यू डेट से छः महीने के अंदर एक छः से एक साल के अंदर और एक से दो साल दो से तीन और तीन साल से ज़्यादा तो ये ट्रीज रिसिवेबल करंट है एक साल के अंदर ही सेटल होना चाहिए लेकिन एक साल के बाद भी अगर कोई पैसा ना दे तो छः महीने तक ना दे तो यहाँ पर डालो छः से एक साल का टाइम हो गया तो यहाँ पर डालो एक से दो साल का टाइम हो गया तो यहां पे डालो दो से तीन और तीन से ज्यादा है तो यहां पे डालो आई बात समझ में तो दिस इज अबाउट द ट्रेड रिसिवल अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट इन्वेंट्री इन्वेंट्री के अंदर हम लोग को क्लासीफाई करना है इन्वेंट्री के अंदर क्लासीफाई करना है क्या रॉ मटेरियल डब्ल्यू आई पी फिनिश गुड्स ये तो आपको पता है कि इन्वेंट्री जो क्लासीफाई होती है वो तीन टाइप में होती है एक होती है रॉ मटेरियल में दूसरा होता है डब्ल्यू आई पी में तीसरा होता है फिनिश गुड्स में तो अगर जो कोई मैन्युफैक्चर करता है तो वो ये तीन इन्वेंट्री को मेंटेन करेगा लेकिन जो सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं सिर्फ ट्रेडिंग करता है तो उसको यू हैव टू शो लाइक स्टॉक इन ट्रेड आई बात समझ में तो मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसको ये तीन क्लासिफाई करना है और जो सिर्फ ट्रेडिंग करने वाला है खरीद के बेचेगा जैसे इलेक्ट्रॉनिक का है कोई इलेक्ट्रॉनिक में डील करता है सिर्फ परचेज और सेल करता है तो उसको ये स्टॉक इन ट्रेड मेंटेन करना पड़ेगा हम मैन्युफैक्चर करके बेचता है तो यू हैव टू मेंशन रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स उसके अलावा स्टोर्स एंड स्पेयर लूज टूल्स एंड अदर ये तीन चीज़ों के भी आपको इन्वेंट्री स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा ठीक है इसके बाद आपको कौन सा गुड्स है जो इन्वेंट्री ट्रांजिट में है उसको अलग से डिस्क्लोज करो फिर आपका कौन सा मेथड मोड ऑफ वैल्यूएशन का मेथड आपने यूज़ किया है दैट यू हैव टू स्टेट ठीक है नेक्स्ट है आपका कैश एंड कैश इक्वालेंट दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन जैसे हम लोग पढ़ते थे कैश इन हैंड कैश इट बैंक वही यहाँ पे डिस्क्लोज करना है तो सबसे पहला बैलेंस विद बैंक चेक ड्राफ्ट हैंड मतलब जितने भी चेक्स आपके पास है लेकिन बैंक में अभी तक डिपॉजिट नहीं किया है फिर कैश इन हैंड जो हार्ड कैश आपके पास है फिर अदर कुछ कैश में मतलब कैश या इक्वालेंट है जो कन्वर्ट हो जाए इजीली उसको आपको स्पेसिफाई करना है फिर आपको ये भी बताना है कि कौन सा बैंक में बैलेंस है जो ईयर मार्क्ड है ईयर मार्क्ड मतलब जो इसी पर्पस के लिए यूज़ होने वाला है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होने वाला रहता है वो पैसा अगर बैंक में इस्पेसिफा बैंक में डिपॉजिट है तो उसको आप ईयर मार्क्ट बोलोगे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके बैंक में दो अकाउंट है एक अकाउंट है जिसके अंदर आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हो दूसरा अकाउंट है जिसके लिए आपने डिविडेंड पे करने के लिए रखा है अनपेड डिविडेंड है तो दैट इज़ कॉल्ड ईयर ईयरमार्क बैलेंसेस कि ये बैलेंस सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए यूज़ होने वाला है उसको सेपरेटली स्टेट करना पड़ेगा नेक्स्ट बैलेंस विद बैंक टू द एक्सटेंट हेल्ड एज ए मार्जिन मनी और सिक्योरिटी अगेंस्ट बोरोइंग गारंटी और अदर कमिटमेंट ये सब कमिटमेंट के अगेंस्ट में अगर आपने कोई मार्जिन मनी और सिक्योरिटी आपके पास है तो वो आप उसको डिस्क्लोज करो नेक्स्ट रेपट्रिएशन रेस्ट्रिक्शन इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश बैलेंस शैल बी सेपरेटली स्टेटेड कुछ रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर इम्पोज किया गया है रेपट्रिएशन मतलब मंगाने का बाहर से मंगाने का उसका कोई रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर है तो दैट यू हैव टू मैंशन सेपरेटली फिर बैंक डिपॉजिट फिर मोर देन टेल्व मंथ्स मेच्योरिटी जो बारह महीने से ज्यादा की मेच्योरिटी का बैंक डिपॉजिट है आपके पास तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा सेपरेटली आई बात समझ में तो ये आपका कैश इन हैंड हो गया अब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज है ये देख लेते हैं इसमें भी कुछ नहीं है जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज किया था सेम है वैसे ही करना है लोन्स एंड एडवांस टू रिलेटेड पार्टीज फिर अदर स्पेसिफाई करना है फिर अबो भी क्लासीफाइड एज सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड अगर आपको पता होगा ये सब रिपीट हो रहा है ठीक है उसके बाद आपको मेंशन करना है कि आपने कितना अलावेंसेज क्रिएट किया है कि कोई डाउटफुल लोन अगर हुआ तो और कोई भी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज आपने डायरेक्टर को दिया है ऑफिसर को दिया है या ऐसी कोई कंपनी या फर्म में दिया है जिसमें डायरेक्टर पार्टनर या मेंबर है उसको डिस्क्लोज करना है और अदर करंट एसेट्स आपको स्पेसिफाई करना है जैसे प्रीपेड एक्सपेंस हो गया वो सब आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना है तो दिस इज़ ऑल अबाउट वॉट टू डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट एसेट साइड तो एसेट साइड में क्या क्या डिस्क्लोज करना है वो हम लोग ने यहाँ पे देख लिया है अब नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हम लोग पी एन एल को कैसे याद रखना है रट्टा नहीं मारना है उसको समझ के लेना है लॉजिकली इसको कैसे कंसिडर करना है वो हम लोग देखेंगे बाय द टाइम आप इसको एक दो बार रेफर करो कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ थैंक यू